बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद अब एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि साल 2022 में उनकी पार्टी विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव तो अभी दूर हैं, लेकिन हमारी पार्टी के नेता नहीं चाहते कि किसी के साथ गठबंधन किया जाए। एसपी से नाराज होकर अलग पार्टी बनाने वाले अपने चाचा शिवपाल यादव ने सुलह समझौते की संभावना के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्होंने जसवंत नगर सीट से विधायक शिवपाल को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित करने के संबंध में अर्जी वापस लेने की संभावनाओं पर कहा कि पार्टी ऐसा नहीं करने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 में बहुजन समाजवादी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव के बाद बीएसपी ने ऐलान कर दिया कि अब यह गठबंधन आगे नहीं चलेगा। जून महीने में एक मीटिंग के दौरान मायावती ने कहा, अखिलेश यादव गठबंधन के लिए पूरी तरह से अपरिपक्व हैं। चुनाव के बाद इन दिनों तक मैं इंतजार करती रही कि वह आएंगे और बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कथन के साथ मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया और अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव वो अपने दम पर लड़ेंगे।